हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज मैं हाजिर हूँ वैनम 2 यानी वैनम लेट देयर बी कार्नेज लेकर। मूवी स्टार्ट होती है और हमें एक कॉर्पोरेट दिखाया जाता है जहाँ पर काफी सारे अबैंडन्ड बच्चों को रखा जाता था। तभी हम देखते हैं इस कहानी के दो लीड कैरेक्टर जिनका नाम कलेटस कैसिडी और फ्रांसिस लुइस पेरिसन होता है, जो कि अपने अपने कमरे में बैठे होते हैं। हम देखते हैं कि लुइस काफी डरी होती है। कलेटस उससे पूछता है कि डॉक्टर ने तुमसे क्या कहा, तो लुइस कहती है कि उसकी म्यूटेशन काफी तेजी से बढ़ रही है और वो धीरे धीरे एक पावरफुल म्यूटेंट बनती जा रही है। वो काफी डरी हुई थी क्योंकि कुछ लोग आकर उसे एक बड़े से एक्सपेरिमेंट के लिए ले जाने वाले होते हैं। कलेटस कहता है कि घबराने की कोई जरूरत नहीं है। तभी कुछ लोग आकर लुइस को पकड़कर एक पुलिस वैन में ले जाने लगते हैं, जिसे देखकर कलेटस को काफी गुस्सा आता है। वो लोग उसे पकड़कर किसी सीक्रेट जगह पर ले जाने वाले होते हैं, लेकिन लुइस रास्ते में ही अपनी वॉइस की सोनिक पावर की वजह से वैन का एक्सीडेंट करवा देती है और वहां से भागने की कोशिश करती है। उसके पास एक ऐसी पावर होती है जिसकी वजह से वो किसी भी चीज को हिलाकर तोड़ सकती है। एक घबराया पुलिस वाला गलती से लुइस की आंख में गोली मार देता है और पुलिस वालों को लगता है कि वो मर चुकी है, लेकिन वह अभी भी जिंदा होती है और वो पुलिस वाले उसे रेवनक्रॉफ्ट के अंदर ले जाते हैं, जहां पर एक डॉक्टर होती है और वह उसके ऊपर काफी एक्सपेरिमेंट कर रही होती है। तभी हम देखते हैं एक वार्ड बॉय आता है और लुइस को एक न्यूज़पेपर देकर जाता है जिसके अंदर यह लिखा होता है कि क्या कलेटस कैसिडी को मौत की सजा सुना देनी चाहिए, क्योंकि कलेटस कैसिडी एक बहुत बड़ा सीरियल किलर था जिसके खिलाफ कोई सबूत न होने की वजह से उसकी सजा बीच में ही अटकी होती है और ये आर्टिकल एडी ब्रॉक ने ही छापा होता है। जिसके बाद डॉक्टर कहती है कि इसे तो मौत की सजा सुना देनी चाहिए। अगले सीन में हम देखते हैं डिटेक्टिव पैट्रिक को जो कि एडी के साथ बात कर रहा होता है, जिस पर एडी पैट्रिक को कहता है कि मेरा कलेटस के साथ कोई लेना देना नहीं, लेकिन पैट्रिक कहता है कि कलेटस सिर्फ तुमसे बात करना चाहता है। तभी हम देखते हैं कि वैनम एडी की बॉडी से बाहर निकल आता है और वो पैट्रिक को खाने ही वाला होता है, लेकिन एडी उसे रोकता है और एक बाथरूम में चला जाता है जहाँ पर वह दोनों बातें कर रहे होते हैं। लेकिन वहां मौजूद एक लेडी और पैट्रिक दोनों उसकी बातें सुन रहे होते हैं। वैनम कहता है कि हमें शहर में जाकर लोगों को प्रोटेक्ट करना चाहिए और हम यहां पर सिर्फ बातें कर रहे हैं। देखा जाए तो वैनम एडी की बेइज्जती कर रहा होता है और उसे बॉटम फीडर कहकर चिढ़ा रहा होता है, जिसके बाद एडी वैनम को कहता है कि वैनम तुम्हें मेरी इज्जत करनी चाहिए क्योंकि मैं तुम्हारा होस्ट हूं। इसके बाद एडी कलेटस से बात करने के लिए राजी हो जाता है। फिर हम वही सीन देखते हैं जो हमें वैनम मूवी के फर्स्ट पार्ट में दिखाया जाता है, जब एडी जेल में किसी सीरियल किलर का इंटरव्यू ले रहा होता है। वहां पहुंचने के बाद एडी कैसिडी से पूछता है आखिर तुम्हें मुझसे ही बात क्यों करनी है। इसके बाद कैसिडी कहता है तुम मुझे अच्छे लगते हो और तुम्हें मेरे भक्तों के लिए एक न्यूज प्रिंट करना है, जिसके बाद मैं तुम्हें एक इंटरव्यू दूंगा जिसमें मैंने वह कत्ल क्यों किए, उनके पीछे का क्या राज है, तुम्हें सब कुछ सच सच बता दूंगा। जिसके बाद एडी उसका आर्टिकल छापने के लिए राजी हो जाता है। वो उसका आर्टिकल छापता है जिसमें वही सारी बातें लिखी होती हैं जो फ्रांसिस ने कुछ दिन पहले पढ़ी थी। फिर एडी वहां से जा रहा होता है, लेकिन वैनम उसे रोककर एक दीवार पर बने कुछ चित्रों को देखने के लिए कहता है और वहां कुछ लिखा भी होता है। उन चित्रों को देखने के बाद एडी वहां से निकल जाता है। बाहर आने के बाद वो डिटेक्टिव एडी से पूछता है कि उसने तुम्हें क्या बताया, लेकिन एडी उसे कुछ भी नहीं बताता और अपनी बाइक लेकर वहां से चला जाता है। फिर एडी घर आकर वैनम की मदद से जेल की दीवार पर बनी उन चित्रों को डिटेक्ट करता है। फिर उसे एक लोकेशन का पता चलता है जहां पर कैसिडी ने लोगों को मर्डर कर उनकी लाशें वहां पर छिपा रखी होती है। एडी की वजह से पुलिस जगह को ढूंढ लेती है, जिस कारण एडी रातों रात फेमस हो जाता है और कलेटस की मौत की सजा भी मंजूर हो जाती है। यह सुनने के बाद कलेटस को काफी गुस्सा आता है क्योंकि उसे लग रहा होता है कि एडी ने उसे धोखा दिया है। फिर हम देखते हैं कि एडी और वैनम अपने घर पर बैठे होते हैं और वैनम कहता है कि हम दोनों मिलकर बुरे लोगों का खात्मा करते हैं और मैं जानवरों को खाकर थक चुका हूं। अब मुझे कुछ बुरे लोगों को खाना है, लेकिन एडी वैनम को साफ साफ मना कर देता है। फिर एडी को एनी का फोन आता है और वो उससे मिलने के लिए कहती है। फिर एडी एनी से मिलने के लिए चला जाता है। एडी मन में ही वैनम से बातें कर रहा होता है, जिस पर एनी कहती है कि क्या तुम वैनम से बात कर रहे हो। एडी कहता है कि नहीं। फिर एनी उसे बताती है कि उसकी डेक के साथ एंगेजमेंट हो चुकी है, जिस पर एडी काफी इमोशनल हो जाता है और एनी वैनम से कहती है कि मुझे पता है कि तुम अब भी इसके अंदर ही हो, तुम एडी का अच्छे से ख्याल रखना। फिर एडी वहां से दुखी होकर अपने घर चला जाता है। फिर अगली सुबह हम देखते हैं
कि वैनम एडी के लिए खाना बना रहा होता है। उसे ब्रेकफास्ट करवाने के बाद एक लेटर बॉक्स से लेटर लाकर देता है जिसे क्लेटस ने ही लिखा होता है, जिसमें लिखा था कि तुम्हारी वजह से ही मुझे मौत की सजा हुई है। फिर वो उसे अपने बचपन से लेकर आज तक की सारी कहानी सुनाता है और एक आखिरी बार एडी को उससे मिलने की गुजारिश करता है। फिर अगले दिन एडी क्लेटस से मिलने के लिए उसके पास जाता है, जहां क्लेटस उसे बहुत ही बुरा भला कहता है, जिसे सुनने के बाद वैनम काफी भड़क जाता है और उस पर हमला कर देता है, जिसके बाद क्लेटस एडी के हाथ पर काट लेता है और वहां के गार्ड आकर उन्हें छुड़ाते हैं। एडी वहां से जाने लगता है। फिर क्लेटस एडी को कहता है कि पहले भी मैंने खून चखा है लेकिन तुम्हारा खून बहुत ही अजीब है। यहां हम देखते हैं कि जब क्लेटस ने एडी को काटा था, एडी का सिम्बियोट उसके मुंह में चला गया था, जिसकी वजह से एक नए सिम्बियोट कार्नेज का जन्म होता है, जिसके बाद एडी अपने घर आ जाता है। वैनम पर काफी गुस्सा करता है। वो दोनों काफी लड़ते झगड़ते हैं कि तुम्हारी वजह से मेरी जिंदगी से सुख चैन चला गया है, जिस पर वैनम उसे कहता है कि तुम एक लूजर थे मेरे आने से पहले, आज तुम जो कुछ भी हो वो मेरी वजह से हो। जिस पर एडी कहता है कि मुझे ऐसे फेमस नहीं होना और अब तुम यहाँ से चले जाओ, जिस पर वैनम गुस्सा होकर वहां से चला जाता है और जाते जाते एडी की बाइक को भी तोड़ जाता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि क्लेटस को मौत की सजा दी जा रही होती है, जहां उसे एक जहर का इंजेक्शन लगाकर मारना था। डॉक्टर क्लेटस को जहर का इंजेक्शन दे रहे होते हैं लेकिन उसका कोई असर नहीं होता और वह कार्नेज क्लेटस की बॉडी से बाहर आ जाता है, जिसे देखकर वहां के सारे लोग भागने लग जाते हैं। और यहीं पर हमें कार्नेज की पहली झलक दिखाई जाती है, जो कि बहुत ताकतवर था और वहां के सारे ऑफिसर को मारकर वहां से भाग जाता है। हम वैनम को देखते हैं जो किसी की बॉडी पकड़कर एक बिल्डिंग की टॉप पर नाराज होकर बैठा होता है। हम एडी को देखते हैं कि शांति से टीवी देख रहा होता है, जहां टीवी पर न्यूज चल रही होती है कि क्लेटस जेल से फरार हो गया। एडी क्लेटस को ढूंढने के लिए कुछ सबूत देखने लगता है। हम वैनम को देखते हैं जो कि बॉडी बदलता रहता है, क्योंकि वह लोग वैनम के साथ बॉन्ड नहीं बना पा रहे थे। फिर हम क्लेटस को देखते हैं जो कि एक कार लेकर भाग रहा होता है और कार्नेज उसके पीछे आने वाले सारे पुलिस वालों को मार देता है। कार्नेज क्लेटस को कहता है कि मेरे अलावा इस दुनिया में सिर्फ एक सिम्बियोट है, जो कि है वैनम, जिसे हम मार दें तो इस दुनिया पर राज कर सकते हैं। जिसके बाद वह लोग फ्रांसिस को छुड़ाने के लिए वहां से निकल जाते हैं। दूसरी तरफ एडी क्लेटस की ऑर्फनेज में जाता है, जहां उसे दीवार पर लिखा हुआ कुछ वर्ड दिखाई देते हैं। एडी डिटेक्टिव को कॉल करके बोलता है कि मैं क्लेटस के ऑर्फनेज में हूं और उसे पूछता है कि एफबी का क्या मतलब है, जिस पर डिटेक्टिव कहता है कि एफबी फ्रांसिस बैरिसन है, जो कि एक एक्सीडेंट के दौरान मर चुकी है, क्योंकि ऑफिसर को अभी पता नहीं होता कि वह जिंदा है। फिर हम क्लेटस को देखते हैं जो कि एक शॉप में जा रहा होता है। वह उस शॉप के ओनर को मार देता है और वो वहां के कंप्यूटर से रेवनक्रॉफ्ट की सीक्रेट लोकेशन का पता लगा लेता है। फिर वहां जाने के बाद वो एक डॉक्टर को मार देता है। फ्रांसिस के पास जाता है और वह उसे कार्नेज को दिखाता है, जिसे देखकर फ्रांसिस बहुत हैरान हो जाती है और फिर वह तीनों वहां से भाग जाते हैं। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि एडी को कस्टडी में लिया होता है और वह एडी से पूछते हैं कि लोगों ने तुम्हारे घर के आसपास एक मॉन्स्टर को देखा है और वहां से कुछ डेड बॉडी भी बरामद हुई हैं। वो ऑफिसर एडी को सच बोलने के लिए कहता है, जिस पर एडी कहता है वो एक फोन कॉल करने के बाद ही उन्हें सब कुछ सच बताएगा। वो एनी को फोन करता है और उसे वहां पर बुलाता है और कहता है कि शहर में ये जो कुछ भी हो रहा है क्लेटस की वजह से हो रहा है, क्योंकि उसके अंदर भी एक सिम्बियोट मौजूद है। और वो उसे ये भी बताता है कि वैनम अब मेरे साथ नहीं है, तुम उसे ढूंढो। फिर एनी वैनम को ढूंढने के लिए मिस जेन की शॉप में जाती है, जहाँ जाकर पूछताछ करती है और लेकिन वैनम तो मिस जेन की बॉडी में ही मौजूद था और वो एडी से काफी नाराज भी था, लेकिन एनी के काफी मनाने की वजह से वैनम मान जाता है और एडी से मिलने के लिए राजी हो जाता है। फिर हम फ्रांसिस और लेडिस को देखते हैं, जो कार्नेज की वजह से शहर में बहुत सी तबाही मचा रहे होते हैं और अब वो एडी और वैनम को मारने के लिए निकल जाते हैं। फिर हम एनी को देखते हैं जो एडी को मिलने आई होती है और उसके साथ उसकी बॉडी में वैनम भी आया होता है। फिर वह तीनों मिलकर कस्टडी से भाग जाते हैं।
इसके बाद वेनम एडी को सॉरी बोलने के लिए कहता है। फिर एडी वेनम को सॉरी बोल देता है, जिसके बाद हम उस डिटेक्टिव को देखते हैं जो कि अपनी कार से कहीं पर जा रहा होता है। फिर उसे क्लेटस मिल जाता है, जिसको देखकर डिटेक्टिव उसे गन दिखाकर हाथ ऊपर करने के लिए कहता है, लेकिन कार्नेज बाहर आ जाता है। फिर हमें फ्रांसिस को दिखाया जाता है जो कि एडी के घर पर जाती है और उसे वहाँ एक एंगेजमेंट रिंग दिखती है। तभी वहाँ एनी आ जाती है और फिर फ्रांसिस उसे किडनैप करके डेन को एक लेटर देती है और कहती है कि एडी को कहना कि मेरी वेडिंग में जरूर आए। फिर डेन एडी को फोन करके बताता है कि उन्होंने एनी को किडनैप कर लिया है और वो एडी को उनकी लोकेशन बताता है। उसके बाद हम उन दोनों को देखते हैं जो कि चर्च में होते हैं। वो दोनों शादी कर रहे होते हैं और उन्होंने उस डिटेक्टिव को भी पकड़ रखा होता है। तभी वहां पर एडी और वेनम आ जाते हैं। वेनम एडी की बॉडी से बाहर आ जाता है, जिसे देखकर कार्नेज भी बाहर आ जाता है और उसे देखकर वेनम एडी की बॉडी में वापस चला जाता है। एडी वेनम से पूछता है कि तुम वापस क्यों चले गए। वेनम कहता है कि रेड आई सिम्बायोट है और यह बहुत खतरनाक होते हैं। एडी वेनम को बाहर आने के लिए कहता है, लेकिन वेनम उसे वहां से जाने के लिए कहता है। उसके बाद एडी वेनम को कहता है, तुम बाहर आ जाओ और फिर बदले में तुम जिसे चाहो उसे खा सकते हो। सुनने के बाद वेनम बाहर आ जाता है और फिर कार्नेज और वेनम में बहुत ही जबरदस्त फाइट शुरू हो जाती है। वो दोनों बहुत ही बुरी तरीके से एक दूसरे के साथ लड़ रहे होते हैं, लेकिन फ्रांसिस की सोनिक बूम के कारण कार्नेज उसे कहता है कि अपना मुंह बंद रखो और फिर फ्रांसिस उस ऑफिसर को टॉर्चर करने लग जाती है कि उसी ने उसकी आंख में गोली मारी थी। फ्रांसिस उस डिटेक्टिव की आंखों को फोड़ देती है। कार्नेज वेनम को एक खंभे के साथ बांध देता है और फिर फ्रांसिस को पकड़ लेता है। फिर उन दोनों में बहस शुरू हो जाती है। कार्नेज को फ्रांसिस की सोनिक बूम के कारण बहुत ही तकलीफ हो रही थी। दूसरी तरफ डेन कार्नेज के ऊपर केरोसिन डालकर उसे जला देता है, जिस वजह से वह चिल्लाने लगता है और डेन को पकड़ने के लिए उसके पीछे भाग जाता है। लेकिन वेनम कार्नेज की पकड़ से छूट जाता है और कार्नेज को मारने लगता है। फिर कार्नेज वेनम की पकड़ से छूटकर डेन को पकड़ लेता है और वो उसे खाने ही वाला होता है, लेकिन तभी वेनम उसे बचा लेता है। कार्नेज एनी को पकड़कर एडी को कहता है, मैं तुम्हारी आंखों के सामने ही मार दूंगा। वो एनी को लेकर उस बिल्डिंग की टॉप पर जाने लगता है, जिससे पत्थरों के कारण वेनम उनके नीचे दब जाता है, उन पत्थरों से निकल नहीं पाता। कारण वेनम एडी से कहता है कि इनसे जीत नहीं पाएंगे। फ्रांसिस को कार्नेज पकड़कर उसे सोनिक बूम ना मारने के लिए कहता है। उसकी पकड़ मजबूत होने के कारण फ्रांसिस बेहोश हो जाती है। तभी क्लेटस कार्नेज को उसे छोड़ने के लिए कहता है, लेकिन अब क्लेटस का कंट्रोल कार्नेज पर नहीं होता। फिर एडी वेनम को कहता है कि वह देखो, कार्नेज क्लेटस के कंट्रोल में नहीं है, सिर्फ हम दोनों ही अच्छी बॉन्डिंग बना पाते हैं। यह सुनकर वेनम में जोश आ जाता है और वह एक स्टील की रॉड लेकर कार्नेज के पीछे चला जाता है। फिर हम कार्नेज को देखते हैं जो एनी को खाने ही वाला होता है कि तभी वेनम वहां पर आकर उस स्टील की रॉड को कार्नेज के सिर में घुसा देता है, जिस कारण एनी कार्नेज की पकड़ से छूट जाती है और नीचे गिरने लगती है। वेनम उसे बचा लेता है, लेकिन कार्नेज अपने टेंटिकल को वेनम की बॉडी में घुसा देता है और वेनम से कहता है कि हम दोनों में से किसी एक को ही जिंदा रहना होगा। फिर वो अपने टेंटिकल को वेनम की बॉडी में बार बार घुसा रहा होता है, जिस कारण वेनम बहुत ही कमजोर हो जाता है। लेकिन तभी फ्रांसिस को होश आ जाता है और वेनम उसे सोनिक बूम मारने के लिए कहता है, लेकिन तभी कार्नेज उसे धक्का देकर बिल्डिंग के नीचे गिरा देता है, जिसके बाद फ्रांसिस नीचे गिरते वक्त सोनिक बूम मार देती है, जिससे वह सारी बिल्डिंग टूटने लग जाती है और ऊपर से एक बेल फ्रांसिस के ऊपर गिर जाती है, जिसके कारण उसकी वहीं पर मौत हो जाती है। लेकिन सोनिक बूम की वजह से कार्नेज और वेनम उन दोनों की बॉडी से अलग हो जाते हैं। अब कार्नेज क्लेटस की बॉडी से अलग हो गया था, इसलिए वह क्लेटस की तरफ जाने लगता है, लेकिन तभी वेनम वहां पर आकर उसे खा जाता है और क्लेटस को भी पकड़ लेता है, जिस पर क्लेटस एडी को कहता है कि मैं तुम्हें अपना दोस्त बनाना चाहता था, पर क्योंकि वह पहले से ही एक सीरियल किलर था, इसलिए वेनम उसे भी खा जाता है। वहाँ बहुत सारी पुलिस आ जाती है और एनी वेनम को कहती है कि एडी का ख्याल रखना, और ये कहकर वो डेन के साथ वहाँ से चली जाती है। और फिर मूवी के लास्ट सीन में वेनम और एडी समंदर के किनारे बैठे होते हैं और एक दूसरे से अपने पास्ट की बात कर रहे होते हैं, जिस पर वेनम एडी को कहता है कि मेरे पास्ट के बारे में जानकर तुम्हारा सिर फट जाएगा, जिस पर एडी वेनम को कहता है कि तुम मेरा सिर फटने नहीं दोगे क्योंकि तुम मुझसे प्यार करते हो। वेनम कहता है कि हाँ। फिर हमें वह ऑफिसर दिखाया जाता है जो कि अचानक से जाग जाता है और उसकी आंखों का रंग भी बदल जाता है। लेकिन दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि मेरी देखी गई मूवी में स्पाइडरमैन का कोई भी जिक्र नहीं है और ये मूवी यहीं पर ख़त्म हो जाती है। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा।
थैंक्स फॉर वॉचिंग।